छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश की खराब सड़कें 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगी। एक तरफ भाजपा खराब सड़कें के सहारे सत्ता पद की तलाश में है, तो दूसरी ओर सरकारी आंकड़ों के हवाला देते हुए कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। भाजपा इंटरनेट मीडिया के साथ ही मीडिया के माध्यम से बयानी हमले कर और सड़क पर उतरकर राजनीतिक जंग जारी रखने की रणनीति बना चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही अपने अपने कार्यकाल में बनी सड़कों का आंकड़ा प्रस्तुत कर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोरबा जाने वाली सड़क पर खड़े होकर राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने वीडियो प्रसारित करके कहा था कि यहां पता ही नहीं चलता कि गड्ढे पर सड़क है या सड़क पर गड्ढा। भाजपा के समर्थक इस वीडियो को लगातार प्रसारित कर रहे हैं। इस मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि सरोज पांडे को पहले रायपुर के स्काई वॉक के सामने खड़े होकर वीडियो तैयार कर प्रसारित करना चाहिए, जो अनुपयोगी पड़ा है। पूर्व PWD मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने सड़क को लेकर तथ्यात्मक आंकड़े के साथ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला समेत अन्य प्रवक्ताओं के बयान को कुतर्क और हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय बनी सड़कों का आंकड़ा पेश करते हुए सरकार को घेरा है। मूणत ने कहा कि वर्ष 2015 तक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 15,000 किलोमीटर सड़क पक्की हुआ करती थी। वर्ष 2018 तक 30,610 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। मूणत ने हैरानी जताते हुए कहा कि 4 वर्ष में निर्माण का एक काम खुद नहीं कर पाए हैं और तुलना भाजपा के कार्यकाल के 15 साल से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल होर्डिंग में डिंगे हाँक सकती है, जमीनी रूप से न तो जनता के सवालों का सामना कर सकती है, न ही जनता की सुविधा के लिए कोई काम कर सकती है। कांग्रेस सरकार ने आज प्रदेश को 2003 वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही है। डॉक्टर रमन ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल की सरकार में सड़कों का बुरा हाल है। केवल पाटन विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को बनाने के लिए सबसे अधिक बजट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों के नवीनीकरण के लिए भाजपा सरकार ने 2018 में 520 करोड़ रुपए विभाग को दिए। कांग्रेस सरकार ने 3 वर्षों में इसे 1/4 कर दिया और 2022-23 में केवल 138 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बाकी सड़कों का बुरा हाल है। इधर कांग्रेस ने कहा कि वह सड़क को लेकर झूठा आरोप लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कुल 60,000 किलोमीटर सड़क के झूठे दावों को सच बताने के लिए राजेश मूणत फिर झूठ बोल रहे हैं। हम जो आंकड़े दे रहे हैं उसका आधार छत्तीसगढ़ सरकार की अधिकृत वेबसाइट है, जिस पर जाकर उसकी सत्यता परखी जा सकती है। मूणत अपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के झूठ को छिपाने के लिए मनगढ़ंत आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि मूणत की ओर से बताए गए उनके आंकड़ों का स्रोत क्या है, उसको सार्वजनिक करने का साहस दिखाए। मूणत रमन सिंह के झूठ को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क जिला 11,243 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 13,208 को एक साथ जोड़कर 24,452 किलोमीटर को फिर से प्रधानमंत्री सड़क बताकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे मुख्यमंत्री पहुंचमार की मुरुम सड़क को 4376 सड़क बताकर रमन सिंह के झूठ को छिपाने की असफल कोशिश में हैं, जबकि मुख्यमंत्री पहुंचमार की 4376 किलोमीटर की मुरुम की यह सड़क अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से छत्तीसगढ़ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।